सूचना के अधिकार के जरिए जानकारी लेना इतना आसान भी नहीं है। संबंधित अधिकारी या विभाग बड़ी मुश्किल से जानकारी देता है और वो भी अधूरी। ऐसा ही बिरार के आरटीआई एक्टिविस्ट माघन धाकड़ के साथ हुआ। पहले तो जानकारी दी ही नहीं और अपील के लिए उन्हें ग्वालियर से भोपाल तक जाना पड़ा। अब जब जानकारी मिली तो करीब 9000 पेज की जानकारी के लिए उनसे करीब 25000 रूपये जमा करवाए गए। इतने पैसे की व्यवस्था न होने पर कर्ज लेकर पैसे जमा कराए। इतने संघर्ष के बाद खाली जेब होने का दर्द तो था, लेकिन जानकारी मिलने की खुशी भी थी। माखन आज नगर परिषद बिरार कार्यालय बैलगाड़ी से पहुंचे। पेज गिनने के लिए 4 अपनों को साथ ले गए, जिन्हें गिनने में 2 घंटे लग गए। फिर सिर पर कागज लेकर माखन ने स्वयं बैलगाड़ी में रखी और ढोल नगाड़ों के साथ वो अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए। बाजार में इस अजीब तरह के जश्न की चर्चा आमजन में बनी हुई है। माखन जी, ये आरटीआई की जानकारी आप लेने आए हो और इस तरह से ढोल तमाशे और ये बैलगाड़ी से क्या है? आप बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत लेट मिली हुई है और बहुत पैसे खर्च हुआ है उसमें, पैसे नहीं बचे मुझ पे, इसलिए मैं बैलगाड़ी से ले जा रहा हूँ। कितना टाइम हो गया? 2 माह। 2 महीने में जब भोपाल तक आप गए तब जी? कितनी क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपको? अरे बहुत परेशानी झेली है इसमें, अधिकारी देते ही नहीं है वैसे। तो ऐसा क्या था इसमें कि नहीं देते है? इसमें बहुत कछु है, जो शासन की योजना है, घोटाले की माननीय पीएम साहब या सीएम साहब की जो योजना है, गरीबों की चला रखी है, वो कागजों में चला रखी है, धरातल पे कहीं नहीं है। इसलिए जानकारी नहीं, इसलिए मैंने जानकारी दी। अब आप क्या करेंगे? इसकी आवाज़ उठाएंगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। आवाज तो आपके पास सब आ गया, नहीं अगर कुछ होता अंत में क्या करेंगे? अंत में अभी ऐसे ही लड़ता रहूंगा मैं। लड़ाई कहाँ तक जाएगी? न्यायपालिका तक जाएगी। न्यायपालिका कोर्ट तक जाएगी।